Hello everyone, my name is Neeraj Dwivedi and I'm General Manager of Ingenious Horizon. We have a luxurious project with the name of Codename Trilogy, which is located at Upper Kharadi. And we have a configuration of 4.5 BHK, 4 BHK and 3 BHK. So now I'll show you the sample flat. Aye, please come and explain you a 3 BHK sample flat. ये येल का लॉक है, ठीक है। इसमें थंबप्रिंट रहेगा, ठीक है। ओटीपी से पासवर्ड प्रोटेक्टेड है एंड कार्ड सिस्टम रहेगा, ठीक है। ये लॉक हम लोग हर एक फ्लैट के साथ दे रहे हैं एंड दिस इज द वुडन विच यू आर प्रोवाइडिंग टू एवरी फ्लैट। दिस इज द एमएफवी, ओके। सो इफ यू एंटर, दिस इज द एंट्रेंस लॉबी। सो एंट्रेंस लॉबी का साइज है 4x3.5। एंट्रेंस लॉबी के जस्ट पीछे वाला स्पेस जो रहेगा, जो डोर के पीछे रहेगा, दैट इज शू रैक स्पेस, ठीक है। तो जहां पर आपके शू रैक्स रहेंगे वो वाला स्पेस रहेगा। इफ यू एंटर फ्रॉम हियर, so this is the 3 BHK of the carpet area is 1050 to 1100, okay। Living ka size hai yahan par 11x18, theek hai। And dining ka size different hai, to living aur dining hum logon ne yahan par separate kiya hua hai, theek hai। Living ke sath attached terrace rahega, so I'll explain you terrace also, please come। ये लिविंग अटैच टेरेस है जिसका साइज 11x6 अराउंड, ठीक है। एंड ये थ्री साइडेड कवर्ड है, आपका राइट साइड में भी कवर्ड है, लेफ्ट साइड में ऊपर से भी कवर्ड रहेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लोगों ने इवे नॉट कॉन्सेप्ट नहीं रखा है, सो हर एक फ्लैट को आपको प्राइवेसी मिलेगी, ठीक है। एंड द रेलिंग यू आर सीइंग एंड द टफन ग्लास विच यू आर सीइंग, एग्जैक्टली वी आर गिविंग द सेम विद द कलर एंड द फिनिशिंग, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग द सेम, ठीक है। कम, आई विल एक्सप्लेन यू डाइनिंग स्पेस। ये आपका डाइनिंग स्पेस है, डाइनिंग का साइज आपका 11x7.6 है। आप अगर देखेंगे तो डाइनिंग टेबल लगाने के बाद, 6 चेयर्स लगाने के बाद स्टिल देयर इज अ स्पेस टू वॉक। तो लिविंग और डाइनिंग सेपरेट करने का एक ही रीजन है, ठीक है। सो लुक, घर का लुक भी अच्छा दिखता है एंड साइड बाय साइड आपका स्पेस भी ज्यादा यूटिलाइज होता है। नाउ आई विल शो यू द किचन एरिया। किचन का साइज 8x9 का है जिसमें हम लोगों ने पैरेलल प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। सो ये प्लेटफॉर्म आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म है एंड ये आपका सर्विस प्लेटफॉर्म है जहां पर माइक्रोवेव वगैरह रखने की जगह है, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, जो क्वालिटी आप देख रहे हैं एंड द फिनिशिंग विच यू आर सीइंग, वी आर गिविंग द एग्जैक्टली द सेम, ओके। साइड बाय साइड पूरा इसमें हम लोग किचन ट्रॉली भी प्रोवाइड कर रहे हैं। किचन ट्रॉली अगर आप देखेंगे सो ऐसा रहेगा आपका। सो किचन ट्रॉली की जो क्वालिटी है ये भी आपके ब्रांडेड रहे, ठीक है। ये आपका वॉश बेसिन है एंड दो टैब हम लोगों ने दिया है, एक टैब आपका हाउस होल्ड पर्पज के लिए एंड दूसरा आपका ड्रिंकिंग वाटर पर्पज के लिए। इसके अलावा थर्ड कनेक्शन अपना वाटर प्योरीफायर का है। किचन के साथ अटैच अपना ड्राई बालकनी है, ठीक है। ड्राई बालकनी में भी हमारा वॉश बेसिन है, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है ये आपका वॉशिंग मशीन का पार्ट है, बट ये ऑप्शनल है। अगर आपको इसमें चेंजेस चाहिए हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं एंड पूरा ड्राई बालकनी यू कैन यूटिलाइज है, ठीक है। नाउ इन किचन में अगर आप देखेंगे ना तो डबल प्लेटफॉर्म है। डबल प्लेटफॉर्म ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको एल शेप का प्लेटफॉर्म चाहिए सो वी कैन रिमूव दिस एंड आपका हम पूरा किचन एल शेप में प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑप्शन। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू बेडरूम साइजेस। ये बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट है, तो राइट साइड वाला जो बेड है ये गेस्ट बेडरूम आएगा एंड लेफ्ट साइड वाला बेडरूम जो है ये मास्टर बेडरूम एंड चिल्ड्रन बेडरूम आएंगे। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम का एंट्रेंस आपका यहाँ से रहेगा, ठीक है। वंस यू एंटर फ्रॉम हियर राइट साइड वाला जो वॉशरूम है दैट इज प्राइवेट वॉशरूम, जिसका साइज है आपका 6x7, ठीक है। एंड जो सैनिटरी फिटिंग्स एंड जो टैप्स हम लोग यूज कर रहे हैं ये कोलर के ही करेंगे, तो सारे हम लोग ब्रांडेड यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका बेडरूम का साइज 10x12 आता है, ठीक है, जिसमें आपको देखेंगे वार्डरोब स्पेस भी लगा है एंड 10x12 के अलावा दिस इज द वार्डरोब स्पेस विच इज 6x2, ये अलग से दिया हुआ है, ठीक है। एंड अगर ये हमारा बे विंडो का स्पेस है तो हर एक बेडरूम में वी आर गिविंग द बे विंडो ऑल्सो। ठीक है, नाउ इफ यू सी बेड रखने के बाद, वार्डरोब रखने के बाद, दो साइड टेबल रखने के बाद भी आपको चारों तरफ से स्पेस दिखाई देगा विच इज वॉकेबल स्पेस। तो ये 10x12 इट्स ए स्पेशियस वन एंड आपको वॉक करने का भी जगह है। तो प्लान ऐसा बनाया कि आपको कोई भी डेड स्पेस नहीं है पूरे बेडरूम्स में। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू चिल्ड्रंस बेडरूम, प्लीज कम। दिस इज द चिल्ड्रन बेडरूम। ठीक है,
चिल्ड्रन बेडरूम का साइज है आपका 10x11 का स्पेस, 10x11 प्लस वार्डरोब स्पेस अलग से, वार्डरोब स्पेस 6x2 का रहेगा। अगर आप देखेंगे इसमें भी हम लोगों ने बे विंडो दिया गया, ठीक है, प्लस बेडरूम्स में बेड, दो बेड लगाने के बाद आपका स्टडी टेबल लगाने के बाद, बुक शेल्फ लगाने के बाद, स्टिल यू कैन से एम्पल स्पेस जहां पर आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा चिल्ड्रन बेडरूम भी स्पेशियस। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का साइज है 10.5x12 का, ठीक है। इसमें फुल लेंथ बेड प्लस वार्डरोब स्पेस एंड दो साइड टेबल रखने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो पूरा स्पेस आपको वॉक करने के लिए मिलेगा। एंड हर एक बेडरूम को इस प्रोजेक्ट में मास्टर के साथ अटैच हम लोगों ने टेरेस दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका बेडरूम अटैच टेरेस रहेगा, ठीक है। इसका साइज आपका 10.3x4 है, ठीक है। जो हम लोग इसमें फिनिशिंग दे रहे हैं रेलिंग का एंड टफन ग्लासेस, ये सेम चीज हम लोग जो लिविंग में दिया है वही सेम यहाँ पर रहेगा। एंड ये भी आपका तीनों साइड से कवर रहेगा, आपका लेफ्ट राइट एंड ऊपर तीनों से कवर रहेगा। तो आपके मास्टर बेडरूम टेरेस में भी प्राइवेसी है एंड लिविंग अटैच टेरेस वाले में भी प्राइवेसी रहेगी, ठीक है। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू मास्टर बेडरूम वॉशरूम। दिस इज द मास्टर बेडरूम वॉशरूम, जिसमें अपना अंदर ही वॉश मशीन रहेगा, कमोड रहेगा एंड शावर रहेगा, ठीक है। एंड अपना फुल लेंथ हम लोगों ने टाइल्स भी दिया हुआ है पूरे इसमें। सो दिस वॉज द 3 BHK सैम्पल फ्लैट ऑफ ट्रायोलॉजी। वी हैव अ 2 मोर वेरिएशंस, टाइप बी एंड टाइप सी। दिस वॉज द टाइप ए। इफ यू वॉन्ट टू सी टाइप बी एंड टाइप सी यू कैन विजिट द साइट ऑफिस। थैंक यू।